तालाब बना पड़ा है हमारे गांव का बुलडोजर, उधर मॉनिटर ले झाड़ू घूम रहा है। ये जीप नहीं निकालने को बोल। स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि आप मेरी हालत देख सकते हैं, जुकाम के मारे बहुत बुरी हालत है 2-3 दिन से, और एक कम होने में जब बढ़ते ही जा रहा है, इसलिए कि ये हमेशा लटका के घूमना पड़ रहा है, और एक ये इसके बिना ज़िंदगी अभी अधूरी अधूरी सी लग रही है। इतनी हालत ख़राब है क्या बताऊँ। मुझे एक्चुअली एलर्जी है ना, जब मौसम चेंज होता है तो ऐसा होता है, ऊपर से थोड़ी धूल धक्कर थी, वहाँ ऑफिस पे गया था तो और उसकी नाक में, तो ऐसी हालत हो गई है। खैर एक दो दिन में सही हो ही जाएगा। दिन से ना मौसम भी ऐसे ही बना पड़ा है बारिश का, आज 100% बता तो रहा है। देखो क्या होता है बारिश का और ये मौसम चेंज होने की वजह से तो ऐसी हालत हुई है। फिलहाल तो मैं बिच्छू के साथ जा रहा हूँ कासिम में, मुझे थोड़े बहुत काम है, एज यूजुअल रहते ही रहते हैं, तो वो करवा के आते हैं। देख रहे हो कितनी तेज बारिश हो रही है, ऊपर से मैं जरा ज़्यादा ही बह गया भावना में, और भावनाओं में बहते बहते बाहर तक चला गया थोड़ा सा शूट करते करते, और जुकाम वैसे ही हो रहा है, ऊपर से बारिश, और मैं देखिए महाभावों के साथ बैठा हूँ अपने गांव के, और अब ये बिच्छू बैठे हैं, बैठ के अब कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है, कोई निकलने वाला तो है नहीं करते, तो बस मैच देख रहे हैं पाकिस्तान इंडिया का, और इसके बाद जाएंगे घर। ओ आवाज़ देखी आपने, अरे अरे बादल भी गरज रहे भयंकर तेज, तालाब बना पड़ा है। बुलडोजर, हमारे गांव का बुलडोजर। चाचा के फिर से इतनी बारिश हुई कि जो उन्होंने अभी रिपेयर कराया था उनका घर, और फिर से वो मिट्टी ढह गई तो फिर से वो हो गया बहुत, जिस पर मतलब साल बारिश कुछ ज्यादा हुई, और हम खाना का और ज्यादा ही वो हो गया पता, देखा मैंने हमने तब देखा तब नहीं, वो मिट्टी पूरी ढह गई, वो मिट्टी इतनी हो गई उनके सड़के के सामने कि एक आदमी डूब जाए क्या, मिले ही नहीं, कुआ सा हो गया, पता गिरने का आदमी चांस उसमें। खैर एनीवेज फिलहाल तो क्या है, बारिश का मौसम है तो हे पकौड़े तैयार है, मजा आ गया, जुकाम वैसी था, पकौड़ा का आनंद ही होता। नायरू दूर से देख लो बेटी, दूर से देख लो, आ आ आ आ आ वो धीरे क्या है, क्या है, हाँ क्या देख रही हो नायरू, नायरू तेरे दांत दिखाना, कितने दांत दिखा, अच्छा अच्छा दिखा, ई कर ई ई, ये जीभ नहीं निकालने को बोल रहा हूँ, आ उह ई मेरी सबसे प्यारी बेटी नायरू, नायरू सबसे प्यारी बेटी दिया, सबसे प्यारी बेटी पीहू, क्या है फेवरेट है, टॉम एंड जेरी, तुम्हें अच्छा लगती है टॉम एंड जेरी, अच्छा टॉम कौन है, अब अच्छा तो बड़ी हो गई इसलिए अच्छा लगने लगा होगा। मैरू कहाँ बैठ गई हो तुम, कहाँ बैठ गई हो तुम, पापा के ऊपर बैठ गई हो, मेरे बेटा कहाँ बैठ गया है, कहाँ बैठ गया तू, अरे पापा के ऊपर लेट गया, पापा के ऊपर। गुड मॉर्निंग गाइस, कल तो भैया ऐसा बुखार आया, फिर हिम्मत नहीं पड़ी तो फिर सो गए, और रात में इतनी ठंड लगी ना, और अभी भी देखो हालत ठीक है नहीं, और ये बेटी हमारी बेटी के पास आए, बेटी कभी सो के उठ नहीं पा रही है और लेट गई है। क्या हो गया, क्या हो गया भैया, सो नींद नहीं खुली है अभी तक, नींद नहीं खुली मेरी बेटियों की, नींद नहीं खुली है, नींद नहीं खुली है मेरी बेटियों की। चले भैया हम तो एक कप चाय पिए, 7:30 बज गए, जाए यार काम पे, अब अभी तक काम नहीं हुआ ऑफिस का, यार क्या बताऊँ मैं बहुत परेशान हूँ, आज ही वैसे मौसम बना हुआ है देखो, और आप वो गार्डन देखो, ये देखो तालाब बन पड़ा, पूरा तालाब बन पड़ा, उधर मॉनिटर लिजार्ड घूम रहा है, डर ही रहता है मॉनिटर लिजार्ड, पता नहीं चला गया अंदर कहीं छुप गया।
काम घुमा रहे हैं, अंगोछा ले लेके घूम रहे हैं भाई। पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए। खूब छींके आती हैं तो फिर छींके 50-60 इकट्ठी आती है अपन को। और अभी क्या कर रहे हैं, अब इसमें पुताई पुती एक एक कोट तो हो गया है पुट्टी का, और इसमें वो लगेगा टाइम। लाइट चला दें तो लाइट है अपने पास, तो मैं सोच रहा हूँ सामान रख दिया जाए, क्योंकि इस वाले ऑफिस में क्या किया है कि लाइट वाइट का सारा कनेक्शन चला गया, तो अब लाइट भी नहीं जला सकते। तो इसका सामान इसमें अभी टेम्प्ररी लगा दूंगा, एटलीस्ट फिर मैं कम से कम यहाँ बैठने का हो जाएगा, और इसको तोड़वा के ये काम खत्म कराता हूँ। फिर मैं पुताई जो बची है वो धीरे धीरे सब काम हो जाए। टेबल का मैं सोच रहा हूँ, मेरे पे 1-2-3 टेबल ऐसी पड़ी हुई है, तो या तो इनको निकाल के दूसरी नहीं ले आऊँ, पर देखता हूँ जो भी करना है करेंगे। तो ये टेम्पररी इंतजाम कर दिया है, ये टेबल लगा लिया है पर, तो फाइनली भाई ये काम और इस हफ्ते की 15 तारीख तक पूरा काम मैं कर दूंगा, क्योंकि आज क्या है माता जी पिताजी गए उज्जैन, मैं चाह रहा हूँ उनके आने से पहले ये पूरा काम निपट जाए। घर पहुँच के ना मैच देखने में लगे, बढ़िया मैच था, 357 रन का जो है स्कोर किया है, और बढ़िया सेंचुरी हमारी सबने खेल लाहौल से, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और चाह रहा था सब कुछ, मज़ा आ गया मैच देख के। फिलहाल तो अभी मैंने पूजा वूजा करी है, तो व्रत तोड़ते हैं, कुछ खा लेते हैं। पीहू के भैया आज स्कूल से होमवर्क आया, क्योंकि आज रेनी डे हो गया था स्कूल का, है ना बेटा, क्योंकि बाबा अम्मा जो है इनके चले गए हैं उज्जैन, वो निकल गए उज्जैन के लिए, तो वैसे तो उसके बाबा कराते थे, आज हम पे आ गई जिम्मेदारी, परसों से इनके एग्ज़ाम है तो तैयारी भी करवानी थी, तो हमने करवा दिया। और नहीं क्या करा रहे, दिखाओ, हम दिखा रहे हैं अभी, दिखा। हाँ क्या कह रही बेटी, आपने करा ये, वाह देखो हमारी बेटी ने करा, बता रही ये करा हमारी बेटी ने, और भी कराई, वाह चलो वेरी गुड। अब बुक को रख दो वहाँ बुक की जगह पे, और चलो नायरा तुम डिस्टर्ब मत करो, पियू तुम भी डिस्टर्ब मत करो, दिया बेटा दिया को भी तुमने पढ़ लिया ना, अपना दिया को भी पढ़ने दो, चलो आओ नायरा आ जाओ बेटा, आ जाओ पापा ये जब से चलना क्या सीखी है, इसकी दौड़ ही नहीं खत्म हो रही है। बेटा अभी अपनी कलाकृतियां बाद में बनाना नायरा, ये देखो नायरा ने जब से पेंसिल चलाना क्या सीखी है ना, ये मानती नहीं है। Thank you.